रुपया आसानी से बना सकते हो, जैसे यूट्यूबर एंड ब्लॉगर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी आते हैं जो अपना रेवन्यूज देते हैं, लेकिन वो कंपनी ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में पेमेंट प्रूफ दिखाऊँ उससे पहले जरूर समझता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आइकॉन बेल पर क्लिक कर ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पर अर्निंग सेक्शन है, अर्निंग पे जाना है। अर्निंग पे जैसे ही चले जाओगे, यहाँ सबसे लास्ट में एक कैश आउट है, कैश आउट पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही कैश आउट पे क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक लॉगिन ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो ठीक है, लॉगिन नहीं है तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। जैसे आपका ये लॉगिन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा, तो फ्रेंड यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, अर्निंग एंड अवेलेबल अर्निंग। जैसे यहाँ पर देखिए 8652 वाओ कॉइन मेरे पास अर्निंग है, अवेलेबल अर्निंग मेरे पास 6514 कॉइन्स है। और दोस्तों यहाँ पर जो मैं विड्रॉल करूँगा वो अवेलेबल बैलेंस के अंदर का विड्रॉल करूँगा, $65 में यहाँ पर विड्रॉल करूँगा, और जो $86 हैं ये ऑटोमेटिकली नीचे अवेलेबल बैलेंस पर आते रहेंगे और उसे मैं विड्रॉल करता रहूँगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो विड्रॉल का ऑप्शन है, आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर आपको जो अर्निंग मिलती है वो 60 दिन के बाद अवेलेबल बैलेंस में मिलता है, जिसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ विड्रॉल करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे चैरिटी, अगर आप किसी को दान करना चाहते हो तो आप चैरिटी में दान कर सकते हैं, जिससे आपका नाम हो सकता है। और दूसरा वाओ क्रेडिट है, वाओ ऐप से आप अगर किसी को ऑफलाइन कॉल करना चाहते हो, लैंडलाइन कॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। तीसरा है मोबाइल क्रेडिट, अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तो आप रिचार्ज भी कर सकते हो। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड, पेपाल एंड बैंक अकाउंट, इसके द्वारा आप अपने अकाउंट के अंदर पैसा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को से विड्रॉल लेके दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट से लेना है तो बैंक अकाउंट से भी ले सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड है, जो वीजा कार्ड है उस कार्ड पर मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूँगा। जैसे क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर व्यू डिटेल्स आएगा, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। दोस्तों एक वाओ कॉइन का मतलब है 1 सेंट यानी 65 से 70 पैसा पर कॉइन के हिसाब से इंडियन रुपी चलता है। तो ट्रांजैक्शन फीस जो है यहाँ पर $1 प्लस 8% आपका यहाँ पे कटेगा, ठीक है, और 2 से 5 दिन के अंदर ये अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर होगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कंट्री को चूज करना है। जैसे सेलेक्ट कंट्री को चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको अपना कंट्री चूज करना होगा। जैसे मेरा कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया को चूज करूँगा। उसके बाद मुझे कितने वाओ कॉइन लेने हैं, जितना अवेलेबल बैलेंस में होगा उतना मैं वाओ कॉइन को ले सकता हूँ। मेरे पास 65,000 है तो मैं 65,000 यानी कि $65 लूँगा। एंड यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फीस कटेगा वो है 620 वाओ कॉइन, यानी $6 यहाँ पे फीस कट रहा है, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की फ़ीस और कंपनी की फ़ीस दोनों मिलाकर वो कट रहा है। जो टोटल यहाँ पे मेरी अमाउंट विड्रॉल होगी $58.80 यहाँ पर विड्रॉल होगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे चूज़ करना है, यहाँ पे मेरे पास वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड में से कोई सा भी कार्ड है, तो मेरे पास वीजा कार्ड है, मैं उसको डालूँगा। एंड यहाँ पर कार्ड नंबर डालूंगा, जस्ट नीचे में कार्ड होल्डर नेम जो मेरा नाम उसमें कार्ड में होगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा। दोस्तों ये वीजा एंड डेबिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बैंक अब जाकर इस कार्ड को ले सकते हो। और यहाँ पर नाम डालने के बाद एक एक्सपायरी डेट होता है, उसको डाल देना, और यहाँ पर आपने CVV कोड डालना है। दोस्तों ये पूरा डाटा फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके पास पूरा डाटा आएगा, जैसे ही आपने $65 से विड्रॉल किए तो इसको आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हो, यानी कि उससे ज़्यादा या कम निकालना चाहते हो तो चेंज अमाउंट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन जो फीस आपके कट रही है $6.20 से यहाँ पर कट रहे हैं फ्रेंड, और जो टोटल आपकी अमाउंट आएगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर $58.80 आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिस कारण से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे बिटकॉइन आ रहा है। बिटकॉइन में आपको 1% या 2% ही चार्जेस देना होगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है पासवर्ड, आपने आपको पासवर्ड डाल लेना है, जो पासवर्ड आपका है, जो आपका पासवर्ड है वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है।
अब आपके सामने कैश आउट दिखेगा, कैश आउट पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कैश आउट पर क्लिक करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ चुका है, कंफर्मेशन मैसेज और कंग्रेचुलेशन करके एक मैसेज आया है, और दो दिन के अंदर ये बैंक अकाउंट के अंदर आपका होगा। और दोस्तों वाउट की तरफ से एक मेल भी आया है, और ये मेल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो $65 का जो रिडीम मैंने किया था, वो टोटल से $58.80 से मेरे अकाउंट के अंदर दो दिन के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही ये आएंगे मैं आपको तुरंत इस वीडियो के साथ अटैच करके शो कराऊंगा। थैंक यू। वाओ, हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो 3694 वो वेब का पेमेंट प्रूफ यहाँ पर है। 31/7/2017 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरा पेमेंट आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण मैं इस वीडियो को आज रिलीज कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको ईमेल के अंदर भी दिखा दूँ 3694 रुपये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ये जब मैंने पेमेंट्स विड्रॉल किया था $65 का, $6.20 मेरा जो ट्रांजेक्शन था वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कट चुका है, और उसके बाद जो टोटल अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आया था $58.80 मेरे अकाउंट के अंदर आया था। आप यहाँ पर चेक करते हैं $58.80 कितना होता है। ओके फ्रेंड, मैंने सर्च किया $58.80 टू INR। यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया टोटल आ रहा है 3745.91 रुपीज़ यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में बन रहे हैं। और जो मेरा अमाउंट आया था यहाँ पर कितना आया था, वो अमाउंट आया था 3694.36 रुपीज मेरे अकाउंट के अंदर आए थे। फ्रेंड 31 तारीख को थोड़ा सा अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन आज का जो डेट है उसका डॉलर का रेट बढ़ चुका है, डॉलर का रेट घटता बढ़ता है। आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि कितना कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो आपने हमें पेमेंट प्रूफ दे रखा है। इसी प्रकार से मैं पेमेंट प्रूफ देता रहूँगा। दोस्तों बहुत सारे पेमेंट प्रूफ मैं ले चुका हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कारण मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप लोगों ने पेमेंट प्रूफ देख लिया है, अगर आपको विश्वास है तो दिल लगा के काम कीजिए, और जितनी बड़ी टीम बना सकते हो आप बना लीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स आपको मिलने वाली है, वो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाली है। सो फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।